हम दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई। थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि हम लोग बालिग हो चुके हैं। मेरी एज 22 साल है, इनकी एज 21 साल है। हम लोग खुद से अपने मर्जी से शादी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म और मजहब के बंधन को तोड़ते हुए देवरिया की मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के ने घर से भागकर शादी कर ली है। इनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो थानाध्यक्ष से कहती हुई दिखाई दे रही है कि वो बालिग है और 7 साल से रिलेशनशिप में है। वीडियो में मर्जी से भागकर शादी करने की भी बात कही गई है। लड़की ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि लड़के यानी उसके हस्बैंड ने उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है, लिहाजा इस मामले में किसी को टॉर्चर ना किया जाए, उसके पति के घर वालों को परेशान ना किया जाए। हम दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और शादी कर ली हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, जो बेकसूर हैं उनको भी कोई टॉर्चर ना किया जाए। हम लोग भाग के शादी किए हैं, अपने मर्जी के मुताबिक किए हैं, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम लोग खुद से अपने मन से अपने राजी मंदी से शादी कर लिए हैं। थाना अध्यक्ष महोदय जी से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग बालिग हो चुके हैं। मेरी एज 22 साल है, इनकी एज 21 साल है। हम लोग खुद से अपने मर्जी से शादी कर चुके हैं, कर सकते हैं, कर चुके भी हैं। थाना अध्यक्ष महोदय जी से यही कहना है कि हम अपने मर्जी से इनके साथ आए हैं, ये हमको कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है, सोने का, पैसे का या कुछ भी अदर कोई भी चीज़ को लगाया जा रहा है, ये सारा कुछ झूठ है। मैं थाना अध्यक्ष महोदय जी से ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग की रिलेशनशिप 7 साल हो चुका था, अब हम लोग अपने घर पर नहीं रह पा रहे थे, और मैं इनके कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आई हूँ, अपने मन से अपने राजी मंदी से आई हूँ। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, हम अपने मन से आए हैं। और थाना अध्यक्ष महोदय जी से यही निवेदन है कि मेरे हस्बैंड के फैमिली को कोई टॉर्चर ना किया जाए, अदर में कोई भी दूसरे जो बेगुनाह हैं उनको कोई भी टॉर्चर ना किया। वहीं दूसरी ओर लड़की के पिता ने थाना गौरी बाजार में IPC की धारा 366 के तहत युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि थाना गौरी बाजार ग्राम इंदुपुर निवासी एक कपल 21 सितंबर को घर से भाग गए। इसकी सूचना लड़की के पिता को हुई तो उन्होंने लड़के के खिलाफ तहरीर दी जिसमें अपनी बेटी को MA की छात्र बताया। शिकायत में लिखा गया है कि लड़की की उम्र 22 वर्ष की है, उसको शादी की नीयत से लड़का बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया, जिसके आधार पर पुलिस ने 366 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें ये प्रेमी युगल शादी के जोड़े में पुलिस से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में SP डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की भी जाँच की जाए। पुलिस प्रेमी युगल की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है और किस नंबर से इसे शेयर किया गया है। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल करने में जुटी है। इस जनपद के थाना गौरी बाजार के ग्राम हिंदूपुर से ताल्लुक रखने वाली एक 21/9 की घटना के संबंध में दिनांक 22 सितंबर को अपहृता के परिवार वालों की तरफ से 366 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस अभियोग में विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। आज इस संबंध में अपहृता की ओर से एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ है जिसकी प्रामाणिकता की छानबीन कर उसमें अपेक्षित कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।